हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूँ। दोस्तों, कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग कैसे होती है वो आपको हम बताएंगे। दोस्तों, इसको मैंने कपड़ा बराबर से चार कलर में फोल्ड कर लिया है। दोस्तों, इधर खुला साइड है, इधर साइड दोस्तों बंद साइड है। इसको मैंने बराबर ही कपड़ा कर लिया है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। दोस्तों, एक एक पॉइंट एक इंच बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में, और मेरा अंत तक की वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। दोस्तों, मेरा अंत तक की वीडियो देखेगा। अब हम पहले लेते हैं हम लंबाई है दोस्तों 37 इंच। 37 इंच फिटिंग का हम यहाँ से दोस्तों नाप लेते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। यहाँ से 37 इंच ये दोस्तों, ये जो किनारे का कपड़ा है इसको हम छोड़ दे रहे हैं दोस्तों, 1.5 इंच है। तो ऐसे लंबाई में लेते हैं हम 37.5 इंच। और इसको मैंने ऐसे लाइन खींच दी है। दोस्तों, कॉलर वाली कुर्ती है तो 14 इंच पूरा होना चाहिए शोल्डर। तो दोस्तों, लेते हैं 14 का होता है दोस्तों आधा 7 इंच, और 15 का आधा होता है 7.5। तो हम दोस्तों पूरा 14 इंच फिटिंग का रखना है, तो आधा इंच और मार्जिन लगा लेते हैं दोस्तों। तो मैं हम ले रखती हूँ 7.5 इंच फिटिंग का, दोस्तों 7 इंच रह जाएगा आधा आधा इंच सिलाई। अब आधा 7 इंच पर ये हारमोल रखा दोस्तों, ये दिया है। अब ये 7.5 ये हुआ। इसको एल नामा इसको बना दिया है सेंटर। अब लेते हैं दोस्तों गला दोस्तों बाल वाला है तो 3 इंच रखना है। अब ये 3.5 इंच गला रखना है दोस्तों। ये पूरा 15 इंच से कम नहीं होना चाहिए, 14 इंच से कम तो होने ही नहीं चाहिए सिलने पर। तो दोस्तों मैंने इसलिए आधा इंच बढ़ाया है, 7.5 रखा है, तो उसका 15 इंच हुआ डबल में दोस्तों। अब लेते हैं गला ले लिया है 2.5 इंच लंबाई लेते हैं दोस्तों 7.5 इंच, क्योंकि कॉलर वाला गला लंबा रहता है। गला कर दिया कर ये बकरम के बने का दोस्तों फिर गला। अब पहले वाली गुलाई दोस्तों हुआ, आगे वाली जो है 1.5 इंच, पीछे वाली 2 इंच, इसे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। कुर्ती और चिगला होती है जिसको हम गुलाई ले लेते हैं दोस्तों। अब सीना लेते हैं, सीना है दोस्तों 40 इंच, 40 इंच का चौथा भाग हुआ 10 इंच। और दोस्तों मैंने रखी एक यहाँ से दोस्तों लेके 21 इंच आता है, 21 इंच बहुत बराबर से दोस्तों बैठेगा। अब हम मैंने रखा है 7 इंच में कमर, और दोस्तों 14 इंच में हिप। चालीस इंच का चौथा भाग हुआ 10 इंच, तो 10 इंच मैंने रखा। कमर का चौथा भाग हुआ 35 इंच दोस्तों, तो पौने 9 इंच रखा। और हिप दोस्तों हिप भी 40 इंच।
40 इंच का चौथा भाग हुआ 10 इंच। अब दूसरे मैंने ऐसे ऐसे लाइन खींची, दामन का हिस्सा लगाती हूँ 40 इंच। अब इसको दोस्तों मैं सीधी लाइन खींच देती हूँ। दो इंच बादल करते हैं। दो दो इंच दोस्तों सब लाइन खींच लेती हूँ जिसे बराबर से रहे दोस्तों। तो मैं पहले दोस्तों ये तीरा कटिंग करते हैं और 15 इंच का आधा दोस्तों हुआ 7.5 इंच। ये हम पीछे वाले पल्ले की गोलाई कटिंग करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये कपड़ा इस तरह में मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। सीधा दोस्तों कटिंग कर देती हूँ क्योंकि बराबर से सेंटर में कलर सही रहता है। ये भी कट कर दिया दोस्तों। और देखिए अब दोस्तों फिटिंग का ये जिसको भी कटिंग कर रहे थे सभी कट हो गई है दोस्तों। दोस्तों सिलाई में कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ये मैंने फटक सा लगा है जिससे बकरा फिर दिखाएंगे बहुत आराम से आएगा। और दोस्तों ये पीछे का आगे का पल्ला पीछे का अंदर वाला पीछे वाला पल्ला निकाल देती हूँ। दोस्तों बराबर करती हूँ और बोला इसकी कटिंग कर दे रही हूँ दोस्तों। ये कटिंग हो चुकी है दोस्तों। ये आगे का पल्ला है दोस्तों, ये पीछे का। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। अगली वीडियो स्टेप के साथ मिलते हैं। अगली वीडियो हम मशीन भी डालेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। फिर अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ अस्तिन की कटिंग या कोई और डिजाइन डालेंगे दोस्तों। और थोड़ी हम मुश्किल कारण हम दोस्तों वीडियो डाल नहीं पाए हैं। बाकी अपनी कोशिश मेरी कोशिश है पूरी वीडियो आप लोगों को दिखाना और डालना। फिर अगली वीडियो के नए साथ वीडियो के हम मिलते हैं दोस्तों।